असलम, मेरा नाम मनमोहन। आप देख रहे हैं टेक हाउस। यार आज हम लोग स्मार्टफोन को बेस्ट डील के अंदर टेस्ट करने वाले हैं ना। जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था ना, उस वक्त इस स्मार्टफोन का किसी किस्म का कोई भी मुकाबला नहीं था। लाइक इसने जो हमें स्पेसिफिकेशंस और प्राइस ऑफर की थी ना, उसके ऊपर इसने सारे के सारे कंपटीशन को किल कर दिया था। अब आज हम लोग इसको जब यूज़ के अंदर टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी भी स्टिल ये वाला स्मार्टफोन है ना भाई, अपनी प्राइस को टोटली तौर पर जस्टिफाई कर रहा है। लाइक अभी भी इस रेंज के अंदर हमें कोई भी इसका कंपटीटर नहीं मिलता। जिस प्राइस के अंदर हमें ये यूज़ के अंदर भी मिल रहा है ना, वहाँ पर भी और कंपनीज हमें ये वाले फीचर्स अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सकी। वैसे इस वक्त मैं मुनाल के सामने खड़ा हूँ लिबर्टी मार्केट के अंदर। इसके आप लोग फ्रंट और बैक वाले कैमरे दोनों से एक ही टाइम के ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़े से कैमरा वगैरह के सैंपल्स को लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ को मैं लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूँगा कि ये वाली डिवाइस हमें बी एम वर्ल्ड ने प्रोवाइड किया, जिनकी लाहौर हफीज सेंटर में शॉप है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को इनका नंबर नज़र आ रहा होगा। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त आप कॉल करके पूछ लीजिएगा इनके पास, अगर ये वाली डिवाइस अवेलेबल हुई तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अच्छा यार, 2020 के अंदर लॉन्च किए गए स्मार्टफोन्स में से अगर मुझे सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिड रेंज स्मार्टफोन का अवार्ड किसी स्मार्टफोन को देना होता तो मैं डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro को देता। दिस इज ट्रूली अ लिविंग लेजेंड। लाइक उस वक्त जिन स्पेसिफिकेशंस के साथ ये वाला स्मार्टफोन आया था, जिस प्राइस के ऊपर आया था भाई, Xiaomi ने कमाल कर दिया था। अब इस वक्त जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ग्लोबल मार्केट के अंदर Redmi Note 11 Pro को, यानी कि पूरी Note 11 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो नहीं आई। तो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग प्राइस को थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेना मेरी जो ओपिनियन है प्राइस के बारे में और इस वक्त आपको ये कितने का मिल रहा है। वीडियो के एंड के ऊपर लाजमी तौर पर डिटेल के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बिल्ड के बारे में। फ्रंट के ऊपर ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बैक साइड के ऊपर भी ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसका फ्रेम प्लास्टिक है, लेकिन होल्ड करने के अंदर ये वाला जो फोन है टोटली तौर पर एक प्रीमियम टाइप की आपको वाइब देता है। आजकल जो फोन आ रहे हैं मोस्टली वो फ्लैट साइड के साथ आ रहे हैं और इस स्मार्टफोन को आप लोग जब होल्ड करते हो, मैंने इसके ऊपर केस नहीं लगाया हुआ, जो होल्डिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बिल्ड के मामले के अंदर इस स्मार्टफोन का अभी भी कोई भी मैच नहीं है जिस प्राइस के ऊपर आप लोगों को ये मिल रहा है। और ये वाला स्मार्टफोन IP53 की रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें जो डस्ट और स्प्लैशेस की प्रूफिंग है वो भी मिल जाती है। थोड़ा बहुत ही आपको वाटर के रेजिस्टेंस को भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर हमें IR ब्लास्टर भी प्रोवाइड किया गया है। बिल्ड के मामले के अंदर आज की डेट के अंदर पूरे के पूरे पॉइंट से इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली जाते जाते हैं। अब जब इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था ना, उस टाइम के ऊपर ये वाहिद फोन था जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ आया था। प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट मौजूद है, HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है, 450 nits की ब्राइटनेस है नॉर्मल और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है। अब अगर आप लोग बात करते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल आउटडोर एक्सपीरियंस की, तो 1200 nits की जो पीक ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बटरी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है। जहाँ तक बात है व्यूइंग एंगल्स की, व्यूइंग एंगल्स को लेकर भी किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेंट की कंजप्शन की या फिर डे टू डे यूज़ के अंदर जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को जो कलर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। लाइक जिस किस्म की आप बेस्ट उम्मीद कर सकते हैं ना इस टाइप के डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस के साथ, बिल्कुल टोटली तौर पर अपनी स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई करता है। लाइक जो AMOLED डिस्प्ले यूज़ किया गया था वो सैमसंग का डिस्प्ले था, तो जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की डेफिनेटली मिलने वाली है। प्लस इसके अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो एक लाइक मेन स्पीकर है। नॉर्मल स्मार्टफोन कंपनीज क्या करते हैं कि यहाँ पर एयरपीस के अंदर स्पीकर को लगा देती हैं, लेकिन इसके अंदर डेडिकेटेड डुअल स्पीकर है। टॉप साइड के ऊपर भी स्पीकर की ग्रिल मौजूद है जो कि डॉल्बी एटमोस की सपोर्ट के साथ आती है। तो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलेगा लाउडनेस का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा और इसके स्पीकर्स के अंदर थोड़ी बहुत बेस भी मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले के अंदर भी इसको 10 में से 10 पॉइंट ही डेफिनेटली मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इस स्मार्टफोन के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप लोगों के माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। मुझे इस चीज़ का टोटली तौर पर आइडिया है। अब जितने दिन भी मैंने स्मार्टफोन को टेस्ट किया इसके अंदर मैंने बग्स को नोटिस करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके अंदर स्टिल MIUI 12.5 चल रहा है। अभी तक इसके अंदर MIUI 13 की अपडेट नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन MIUI 12.5 के अंदर इस स्मार्टफोन को लेके मुझे किसी किस्म का कोई भी बग फील नहीं हुआ। जब भी Redmi का Xiaomi का कोई फोन मेरे पास आता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस प्रोस्पेक्टिव से भी उसको टेस्ट करूं, आप लोगों को कोई भी मसला नहीं आएगा। आई थिंक 12.5 को इतना स्टेबल Xiaomi ने कर दिया होगा कि जो बग्स वगैरह वो रिमूव हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को बहुत जल्द लाइक अपडेट मिलने वाली है MIUI 13 की, जो कि Android 12 के ऊपर बेस्ड है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज को कवर किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि ग्लोबल
ग्लोबल मार्केट के अंदर जो MIUI 13 है वो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। लाइक Xiaomi ने उसकी टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी हुई है और अभी तक जो MIUI 13 के मैंने टेस्ट वगैरह देखे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है, किसी किस्म का कोई भी बग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो सॉफ्टवेयर के मामले को लेकर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपको MIUI 13 प्लस एंड्रॉयड 12 की अपडेट इस स्मार्टफोन के ऊपर मिलने वाली है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, साथ में एड्रेनो 618 का GPU इसके अंदर मिल जाता है। UFS 2.2 की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। एंड टूटो के स्कोर्स की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 290,000 से लेकर 300,000 का स्कोर मिलता है। इस स्मार्टफोन को अगर आप लोगों ने नॉर्मल डे टू डे यूज़ के अंदर बाय लाइक यूज़ करने के लिए बाय करना तो आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, गुड टू गो है। 8nm के ऊपर इसका जो प्रोसेसर है वो बेस करता है। और अगर बात की जाए पबजी की तो इसके अंदर में स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा का ऑप्शन मौजूद है, जबकि आप लोग मैक्सिमम HD के साथ हाई के ऊपर पबजी को प्ले कर सकते हो। जहाँ तक बात है पबजी के एक्सपीरियंस का, आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं मिलता। जो स्पीड होती है पबजी के अंदर ग्राफिक्स की लोडिंग की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, कोई जटर वगैरह मौजूद नहीं है, काफ़ी स्मूथ टाइप का बैलेंस टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब यहाँ पर इसके एक्सपीरियंस को मैं बैलेंस इसलिए कहूँगा क्योंकि भाई इसी रेंज के अंदर में तकरीबन पोको X3 प्रो मिल जाता है, जो कि एक पबजी बीस्ट लिविंग लेजेंड है। तो अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली पबजी के लिए कोई बाय फोन करना ना फ़ोन वगैरह, तो आप लोग पोको X3 प्रो की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर जो पबजी का एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल है, लाइक बैलेंस है, डिसपॉइंट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इसी लाइक रेंज के अंदर आप लोगों को एक बेटर पबजी के लिए स्पेशली ऑप्शन मिल जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पोको X3 प्रो को भी यूज़ कंडीशन के अंदर टेस्ट कर लें। तो ये चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं इस रेंज के अंदर पबजी के लिए भी फ़ोन को ढूंढ रहे होते हैं, तो आप लोगों को इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप लोग ढूंढोगे। लेकिन इसका जो इटसेल्फ पबजी का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अपनी प्राइस को टोटली तौर पर डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। जायरो की स्पोर्ट भी इसके अंदर में प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग इसको अगर पबजी के लिए बाय करना चाहते हो, लाइक आपका डेडिकेटेड कोई मकसद नहीं है ना पबजी खेलना, तो आप लोगों को ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छी सपोर्ट को डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है, देयर इज नो लाइक डाउट इन दैट। अगर बात कर ली जाए कैमराज की, अब जब मैंने स्मार्टफोन को इनिशियली तौर पर टेस्ट किया था ना, इसके कैमराज ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं बैक साइड के ऊपर मेन कैमरा की, तो 108 MP का मेन सेंसर है, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 MP का मैक्रो सेंसर है, जबकि 2 MP का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। अब इस स्मार्टफोन का जब मैंने पहले रिव्यू किया था ना, उस वक्त मैंने स्मार्टफोन के कैमरास को फुल डिटेल में जाके इन डेप्थ टेस्ट किया था, तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड करूंगा, आप लोग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, लाइक अगर आप लोग इन डिटेल इन डेप्थ जाकर इस स्मार्टफोन के कैमरा को देखना चाह रहे हो। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत मैं एक्सपीरियंस यहां पर भी शेयर कर देता हूं। जो 108 MP का सेंसर है ना, उसके साथ जब आप लोग पिक्चर्स को क्लिक करते हो ना, तो एक थोड़ा सा लैग आता है। लैग मतलब कि आपने जब क्लिक किया ना, तो एक सेकंड के बाद वो पिक्चर को क्लिक करता है। ये वाला मुझे लाइक जो मसला ना पहले नहीं था, अब मुझे लगता है कि इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह करने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतना मेजर मसला नहीं है। लेकिन जब आप लोग 108 MP के ऊपर करके क्लिक करते हो ना पिक्चर, तो थोड़ा सा एक या फिर आधे सेकेंड का डिले महसूस डेफिनेटली होता है। वो एक बात थी जो कि मैंने नोटिस की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो पिक्चर्स की क्वालिटी होती है ना भाई, वो लाइक बेस्ट होती है। यहां पर आप लोगों के साथ सैंपल शेयर कर रहा हूं जो कि मैंने आज ही क्लिक किए थे। डायनेमिक रेंज काफी कमाल की है, टू द पॉइंट है, कलर्स की रिप्रोडक्शन एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर्स को ये इतना ज्यादा इनेबल नहीं करता। जहां तक बात है लाइक कंट्रास्ट की या फिर ओवरऑल पिक्चर की ट्यून की, तो भी काफी ज्यादा नेचुरल साइड के ऊपर होती है। पिक्चर्स के मामले के अंदर अगर आप लोग इसको क्रॉप भी करते हो 108 MP को, तो वो जस्टिफाई करता है कि ये डेफिनेटली एक 108 MP का ही सेंसर है जिससे हमने पिक्चर को क्लिक किया है। आपको डिटेल काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर हम लोग नॉर्मल सेंसर की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर भी सेम चीज होती है, लाइक जो पिक्सल बिनिंग को ऑफ करके हम बात कर लेते हैं। अगर बात कर लीजिए अल्ट्रा वाइड सेंसर की, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी किस्म का लाइक इतना कोई मेजर नोटिसेबल कलर शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, उसके अंदर भी डायनेमिक रेंज अच्छी होती है। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी को डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। जहां तक बात है इसके अंदर जूम वगैरह की, तो इसके अंदर बिल्ड इन 3x तक जूम हमें प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मल अल्ट्रा वाइड और 3x जूम के ऊपर भी आप लोगों को कलर शिफ्ट नहीं मिलता, जो पिक्चर्स की क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। जहां तक बात है इसके अंदर हमें दिए गए मैक्रो सेंसर की, तो जब इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था ना,
उस वक्त और अभी भी इस के अंदर अगर आप लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी पसंद है तो आप लोगों को ये वाला सेंसर बेस्ट वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और जो मैक्रो शॉट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के आते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का लाइक कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बात है डेप्थ सेंसर की, तो डेप्थ सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। तो बैक वाले कैमराज को पिक्चर्स के मामले के अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं या फिर वीडियोज़ के मामले के अंदर देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। वीडियो आप लोग 4K के ऊपर शूट कर सकते हो, मैक्सिमम 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को लाइक अच्छा लगेगा, कैमरा पसंद आएगा, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा होगा। जहाँ तक बात है फ्रंट वाले कैमरे की, तो फ्रंट के ऊपर में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। आप लोग यहाँ पर कुछ सैंपल को देख सकते हो जो कि मैंने आज ही कैप्चर किए थे, काफ़ी अच्छे सैंपल्स आते हैं, डायनेमिक रेंज मिल जाती है, स्किन के कलर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रोड्यूस करता है, जो कंट्रास्ट वगैरह होता है वो जो डायनेमिक रेंज स्किन के कलर के अंदर, शर्ट के कलर के अंदर या फिर बैकग्राउंड के ऊपर वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होती है। और फ्रंट के ऊपर अगर हम लोग पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म करता है, उसके अंदर भी लाइक एज डिटेक्शन को लेकर कोई मसला नहीं होता, वहाँ पर भी आपको अच्छी सर्विस डेफिनेटली मिलने वाली है। फ्रंट से आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ में 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। और प्लस इसके बैक वाले कैमरा के अंदर इसके नाइट मोड को मैं लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो नाइट मोड है ना भाई वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इनिशियली तौर पर जब मैंने इसके नाइट मोड को टेस्ट किया था ना, जब हम लोगों ने पहले रिव्यू किया था, तब भी मैंने कहा था कि भाई नाइट मोड की जो पिक्चर्स आती है स्मार्टफोन के साथ वो काफी ज्यादा तबाही टाइप की आती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखिएगा, वहां पर आप लोगों को सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी स्लो मोशन वगैरह के बारे में, और जो ड्यूअल वीडियो मोड हमें मिलता है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्ट के ऊपर दिखा ही चुका हूं। ओवरऑल कैमरास के मामले के अंदर भी 10 में से 10 पॉइंट्स ही स्मार्टफोन को डेफिनेटली मिलते हैं। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लाइक उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, वो भी गुड है। 5020mAh की बैटरी है, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। 5000mAh की जो बैटरी होती है वो मोर देन इनफ होती है, आप लोगों का एक दिन से डेढ़ दिन इजिली निकल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग किस तरह फोन को यूज कर रहे हो, लेकिन जो नंबर्स हैं भाई वो टोटली तौर पर पूरे हैं। और 33W की जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है वो भी डिसेंट इनफ है। 2022 की भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं और जिस रेंज के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आता है, अब अगर हम लोग रेंज के ऊपर पहुंच ही चुके हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। अब इस वक्त मेरे पास ये वाला जो वेरियंट है ना, ये जो स्पेसिफिक फोन है, ये 8GB वाला वेरियंट है, जिसकी प्राइस इस वक्त ऑफिशियल जो है ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज नहीं है, तो 58,000 है। 6GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 51,000। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 6GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसको बाय करें। इस स्मार्टफोन के यूज के अंदर प्राइस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वारंटी के अंदर जो फोन है वो तकरीबन 45,000 से लेके 47,000 तक चल रही है। अगर आप लोग 6GB वाले वेरिएंट की बात करते हो तो वो आप लोगों को अराउंड 40,000 मिल जाता है। अगर आप लोग ये वाली वीडियो Redmi Note 11 सीरीज पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने के बाद देख रहे हो, तब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आप लोग उसको 5,000 और कम कर सकते हो, तब ये वाला स्मार्टफोन और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। तो अगर आप लोग लॉन्च से पहले देख रहे हो ये वाली वीडियो, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये वाली वीडियो मैंने कब पब्लिश करनी है, Redmi Note 11 सीरीज के पाकिस्तान के अंदर आने से पहले पब्लिश करनी है या फिर बाद में पब्लिश करनी है, लेकिन जब भी आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, आप लोग थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हो, आपका बजट अराउंड 40 है, तो आप लोग यूज्ड के अंदर इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लाइक 120Hz AMOLED डिस्प्ले और कहां से आप लोगों को मिलेगा, तो हाईली एक रिकमेंडेड फोन है। आप लोग अपनी मार्केट वगैरह को देख लीजिएगा। और इस स्मार्टफोन के बारे में प्लस पॉइंट ये है कि ये वाला स्मार्टफोन अभी भी आप लोगों को वारंटी के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बॉक्स एक्सेसरीज वगैरह डेफिनेटली मिल जाती हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वाला स्मार्टफोन इन यूज बेस्ट डील के अंदर हाईली रिकमेंडेड है 2022 के अंदर भी, जब भी आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।